फिनिशिंग टास्क में सुमुल तौकीर खान का उतरा शालिन और टीना पे गुस्सा। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज आप लोगों को पता है कि घर में क्या सब चीजें चल रही है, हालांकि आप लोग ज्यादा अपडेटेड रहते हैं और आप लोगों को और भी ज्यादा अपडेटेड हम कर देते हैं जब अपनी वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों का एपिसोड आने से पहले ही बता दिया, घर की कौन रानी बन चुकी है, अगर जानना है तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसी दौरान ही मैं आप लोगों को ये भी चीज बता चुकी हूँ कि नॉमिनेशन फुल डिटेल क्या है, और ये भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि कौन कौन एक्चुअली में इस हफ्ते नॉमिनेट हो चुका है। अगर जानना है कौन कौन कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। नॉमिनेशन टास्क में जो है तीर मारना है और बोर्ड पे, और उस दौरान ही उस कंटेस्टेंट का नाम बताना है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, जहां पर घर की नई रानी निमृत जो है उसका बंकर या माइल जो है वो ब्लास्ट कर देगी। इसी दौरान ही शालिन जो है वो सुम्बुल को नॉमिनेट करना चाहते हैं इस हफ्ते, और उनकी माइल जो है वो उड़वाना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने वाजिद कारण ये दिया उनके पापा का, जो कि उनके पापा ने ये बोला वो बोला ऐसा बोला वैसा बोला, काफी सारी बातें जो है शालिन और टीना बोलते हुए नजर आए, जहां पर सुम्बुल का गुस्सा फूट गया और सुम्बुल ने जो है साफ शब्दों में यही बात बोल दिया, भाई मुझे कर रहे हो नॉमिनेट या मेरे पापा को कर रहे हो। हालांकि सही बात है, घर में कंटेस्टेंट कंपटीशन जो है ये लोग एक दूसरे का है, तो वाजिद कारण वही होगा। अगर जो ये लोग एक दूसरे के बारे में बोलेंगे तभी वाजिद कारण कहलाया जाता है। आप बाहरी दुनिया का वो मुद्दा लेके और उनके पापा का मुद्दा लेके, जो कि उनके पापा ने किया है, पापा ने बोला है, जो कि वीकेंड के बारे में हमें पता चल गया, उसके आधार पर आप नॉमिनेट कर रहे हो। आप करो नॉमिनेट कुछ नहीं, पर आप जो बोल रहे हो वो तो थोड़ा वाजिद होना चाहिए ना। वहां तो सुम्बुल की गलती है ही नहीं, आप उस गलती के कारण जो है सुम्बुल को नॉमिनेट कर रहे हो। अभी सुम्बुल का जिस तरीके का वर्ड निकला है नॉमिनेशन में, वो आपकी नजर में सही है या गलत है? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।